और दोस्तों आज के इस सफर में मैं आपको लेकर आ गया हूँ लाल किले का दशहरा मेला दिखाने के लिए। तो चलते हैं, काफी मजा आएगा। कौन कौन से झूले, क्या टिकट प्राइस होने वाली है, यहाँ की लोकेशन क्या होने वाली है, यदि आप आना चाहते हैं भाई मेट्रो तो यहाँ के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है, तो सभी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या महफिल सजाई गई है। तो देना कर तो आपको ले चलते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तुम्हारा भाई बैक टू बैक ब्लॉग ला रहा है तो भाई एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करते तो यार मनोबल नहीं बनता ना, समझ रहे हो ना बात को। तो चलते हैं, दिखाते हैं लाल किले का विशाल ये रामलीला मेला। और हाँ दोस्तों, यदि आप लाल किले के दशहरा मेले को देखने के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको लोकेशन सजेस्ट कर दे रहा हूँ। लोकेशन आपको नेताजी सुभाष मार्ग में मिलने वाली है, चांदनी चौक के पास में। इसके अकॉर्डिंग आप विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप रेड फोर्ट के अंदर एंटर करेंगे तो आपको जस्ट बगल में 15 अगस्त उद्यान मिलेगा, वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। ये है गाइस इसकी लोकेशन। और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन लाल किले का होने वाला है। यदि आप आना चाहते हैं तो गोल्डन लाइन से आपको आना पड़ेगा। गेट नंबर 4 से आप जैसे ही बाहर को निकलेंगे तो 50 से 100 मीटर आपको चलना पड़ेगा, जस्ट आपको झूले नजर आ जाएंगे, तो आप आराम से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अंदर, दिखाते हैं, एंड तक बने रहना, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं फिलहाल अंदर की ओर, लाल किले का मेला दिखाते हैं आपको। नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और दोस्तों ये 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक मेला चलने वाला है, प्रत्येक शाम 7:30 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक। और दोस्तों मेले में एंट्री करने से पहले देखिए आप रेड फोर्ट, जो अपने देश की आज़ादी का प्रतीक है, 500 के नोट पे यही छपा हुआ है रेड फोर्ट। अब चलते हैं अंदर की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से लेना पर। और अगर जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पेप्सी वगैरह मिल जाएगी, आइसक्रीम मिल जाएगी, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में, 10 चांस मिलेंगे आपको ट्राई करने के। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लोगों तैयार किया गया है नवश्री धार्मिक लीला कमेटी का, 15 अगस्त पार्क लाल किला, लाल किले के जस्ट बगल में ये 15 अगस्त पार्क है। और देखिए जाइंट व्हील कितना बेहतरीन शानदार जानदार आकर्षक लग रहा है, इसका दृश्य देखने में अलग रहता है। इसके राइट 100 रुपये की है, इसके मैं अनुभव नहीं लेने वाला हूँ, एक्सप्रेस में ले चुका हूँ उसका पहले ही से, 100 रुपये इसकी टिकट है। ये है टावर वाला झूला, मैं आप टावर का अनुभव ले सकते हो, ऊपर से नीचे की ओर आता है, 60 रुपये इसकी टिकट प्राइस है। सामने की ओर देख रहे हैं ये है भूत बंगला, ये 50 रुपये इसके अंदर एंट्री है 50 रुपये। और सामने की ओर देख रहे हैं ये एक क्रॉस झूला, इसकी भी मात्र 80 रुपये एंट्री है। तो देख लेना आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आके, ये पूरे मतलब झूले झूले यहाँ पर शुरुआत में, आगे की ओर आपको कैफेटेरिया मिलेगा रामलीला आपको। और दोस्तों ये है रेंजर, इसकी टिकट प्राइस रहने वाली है 100 रुपये। और इसमें जो मज़ा है वो अन्य झूलों में नहीं है, जाइंट व्हील में नहीं है, ना कोलंबस में, इसमें मज़ा आ जाता है। यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं इंटरेस्ट लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए जाइंट रेंजर झूलेगा। तो आप भी आइएगा यहाँ पे तो आप इसमें झूल सकते हैं, काफ़ी शानदार जानदार मज़ा रहता है इसका, काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है। और इसमें तूफान वाला भी झूला है, इसका भी काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसकी टिकट प्राइस भी 100 रुपये है, जब ये स्टार्ट हो जाएगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा इस बार पक्के से पलट जाएगा दोस्तों। ये देखो ये पलट गया भाई, इस बार तो पलट ही जाएगा, ये पलट गया। तो दोस्तों इसका काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन आप इसमें जाएँ तो अपना फ़ोन वगैरह संभाल के रखें, गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको दोस्तों इस वाले झूले का, काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है। देखिए आप भी ट्राई कर सकते हैं, तूफान वाला झूला 100 रुपये टिकट प्राइस रहने वाली है। इसके बगल में रेंजर वाला है, उसके पीछे जाइंट व्हील है और कोलंबस है। तो आप यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए। ये भाई मज़ा दोस्तों, फाइनली मतलब पैक हो गया है मामला, काफ़ी मज़ा आएगा। भाई बैठा हुआ साथ में, भाई बोल रहा हमारा झूला ही है, मैं तुम्हारी बात ही अलग है यार तुम्हारी। देखते हैं कि एक्सपीरियंस रहने वाला, काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है तुम्हारे भाई का, अभी चालू हो गया है। देखते कैसे एक टाइम पे पलट जाता पूरा। और दोस्तों रेंजर झूले का इतना शानदार फीडबैक था, क्या बताया जाए, मतलब 100 रुपये में पैसा वसूल था, बढ़िया था। इसमें जरूर ट्राई कीजिएगा रेंजर में, 100 रुपये इसकी टिकट प्राइस है, बढ़िया है। एक चीज़ सजेस्ट और करूँगा, यदि आप जा रहे हैं इसके अंदर तो फोन संभाल के रखिएगा, और कुछ सामान लेके आ रहे हैं मतलब पैसे डाल रखे हैं, चेन डाल रखी है, पॉकेट ढीली होगी तो गिरने के चांस है। मेरा फ़ोन गिर जाता है, इसलिए मैंने फ़ोन निकाला नहीं। पहली बात तो फ़ोन निकाल ही नहीं पाओगे, जब ऊपर की ओर जाओगे ना तो ऐसा लगता है कि बढ़िया है, पलटा के रख देगा एक्साइटेड, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। कपल जरूर विजिट कीजिएगा, कपल को यहाँ पर जिंदगी के मज़े मिलने वाले हैं 100 रुपये में। और गाइस ये है डायनासोर ट्रेन, बच्चों के लिए मात्र 50 रुपये इसकी टिकट है, आप 50 रुपये दे के इसमें बच्चों को अपना इन्जॉय करवा सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी झूल सकते हैं बड़े तरीके से, बहुत बेहतरीन। और देख रहे कितना मतलब बेहतरीन तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है, मज़ा आएगा यहाँ पर आएंगे तो आप। इस कोलंबस का भी 100 रुपये टिकट प्राइस है, और यहाँ पे देख रहे हैं जाइंट व्हील का भी 100 रुपये टिकट प्राइस है, यहाँ पे मतलब दोनों 100-100 रुपये के हैं, बढ़िया है, शानदार है, जानदार है, इसमें जा सकते हैं आप, अनुभव ले सकते हैं। इसका अनुभव मैंने ले रखा है, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ।
रेड फोर्ट पे अलग ही प्रकार का मेला लगता है दशहरा मेला, मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। तो दशहरा मेला लगा हुआ है लाल किले पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर एक ही मेला नहीं लगा है, यहाँ पर दो तीन मेले लगे हैं। यहाँ पर जायंट भी कम से कम 5-6 देखने को मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये कैलम्बस भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करेंगे, एक को दिखा के मतलब एक आध और एक्सप्लोर कर लेंगे, रामलीला दिखा देंगे आपको, फिर खत्म करेंगे ब्लॉग। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग लोग देखना पसंद नहीं करते, आप समझ सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं जल्दी जल्दी, उसके अनुभव अपन ने ले लिया है। और दोस्तों ये है नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी का रामलीला मंच, और आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर सेटअप किया गया है। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर रामलीला स्टार्ट हो जाएगी, तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं रामलीला का भी। आपको अभी आगे भी ले जाना है, आगे भी दिखाने वाले बड़े तरीके से। और सामने की ओर देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी शानदार चंद दिनेश चंद हलवाई, यहाँ पे आप अवध बाज़ार के अंदर कुछ खा पी भी सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे काउंटर्स हैं, वहाँ पे आपने झूला का मज़ा देखा, और यहाँ पे पूरा ए टू जेड खाने के स्लॉट्स हैं आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे कवर नहीं करना है, यहाँ पे पूरा ए टू जेड खाने के कुछ सिस्टम है। स्टॉल खोले गए हैं यहाँ पर, मतलब कि आप फ्री में बास्केट में बॉल डालकर और अपना आराम से 5 रुपये कमला पसंद मसाला भी खा सकते हैं। दोस्तों आप मेले का आनंद लेते लेते साथ साथ यहाँ पर आप ईट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अवध बाज़ार है, यहाँ पर आप अंदर जाके ईट कर सकते हैं। जैसे कैफेटेरिया यहाँ पे बनाया गया है खाने पीने के लिए, जितने भी मतलब यहाँ पर दर्शक विजिट करेंगे राम भक्त। और देखिए यहाँ पर मतलब ये पूरा मेन्यू है, पोस्ट करके देख लीजिए क्या प्राइस है, कैट प्राइस नहीं है। फिलहाल तो मैं अंदर नहीं जा रहा, फिलहाल मैं अभी आगे। और दोस्तों यदि आप आने के सोच रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन मेला है, यहाँ पर जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ की लोकेशन आपको नेताजी सुभाष मार्ग मिलने वाली है, चांदनी चौक के पास में, जिसके अकॉर्डिंग आप विजिट कर सकते हैं। लाल किला विजिट कर लीजिएगा बस, वहाँ से आपको 15 अगस्त पार्क लाल किले के अंदर ही मिलेगा, तो आपको बगल में मेला मिल जाएगा, काफ़ी बेहतरीन मेला है। रामलीला स्टार्ट होने वाली, कुछ देर में रामलीला स्टार्ट होगी, काफ़ी मज़ा आएगा। अभी फिलहाल चलते आगे की और देखते हैं और कितने बड़े बड़े यहाँ पे मेले हैं। यहाँ पे मतलब कि एक झूले नहीं, काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे रामलीला कमेटी है, अलग अलग कमेटियों के अनुसार हमने अपना आयोजित किया है, तो सही है, बेहतरीन है। आप मतलब घूमेंगे तो मतलब मज़ा आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बच्चों के लिए भी छोटे छोटे झूले हैं और बड़ों के लिए तो है ही हैं। बड़े जितने भी बड़े बड़े झूले उनके लिए, जितने भी बड़े बड़े झूले हैं उसकी टिकट प्राइस मात्र 100 रुपये है। कुछ झूले की मतलब 60 है, मतलब नॉर्मल है उसकी 60 है, बच्चों के लिए 50-30 है, तो सही है रेट भी, लेकिन रेट ज़्यादा है तो अभी तो मतलब है सही है, लेकिन अभी मतलब 2-4 दिन बाद यहाँ पे रेट बढ़ जाएंगे व्हील्स के, इसके अकॉर्डिंग विजिट कर लीजिएगा, सही है। अभी भीड़ भी कम है क्योंकि अभी दूसरा दिन ही है नवरात्रि का। तुम्हारा भाई अब बैक टू बैक ब्लॉग ला रहा था यार, एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों आपने देख लिया नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी का पूरा व्यू दिखा दिया है, अब आपको नेक्स्ट कमेटी में ले चलता हूँ। रामलीला कमेटी लाल किला मैदान के अंदर आइए, तो आइए चलते हैं इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों जैसे आप रामलीला कमेटी के अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ पे सारे के सारे छोटे छोटे कैफेटेरिया बनाए गए हैं, यहाँ पे आप ईट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं स्टॉल बनाए गए हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं बड़े तरीके से, और सामने की ओर यहाँ से ही आनंद ले सकते हैं रामलीला का। देखिए सामने की ओर देख रहे हैं ये सिग्नेचर पान मसाला की जो कंपनी है, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी, समझ जाइएगा ये फ्री में मिलना है यहाँ पे गुटखा, आपको कुछ नहीं करना, बॉल आपको पास करनी है बास्केट के अंदर बस, तो आपको मतलब आप गुटखा खा सकते हैं फ्री में, देख रहे हैं इसलिए इतनी भीड़ लगी है यहाँ। श्रवण कुमार, बहुत बेहतरीन रामलीला चल रही है, राम भक्त देख रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। कितना शानदार जानदार आकर्षक है जाइंट व्हील जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए मिक्की माउस भी है, मात्र 50 रुपये में बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं मिक्की माउस के मजे। और गाइस कहते हैं ना जब दिन ख़राब चलता है ना तो गरीबी में आटे गीला होता है, 500 रुपये घर से लेके आया था मैं, इसमें से 200 रुपये गिर गए मेरे, मैंने पता नहीं पॉकेट से निकाले, हमेशा से करते आए हैं, इस बार भी गिर गए, पता नहीं कहाँ गिर गए, क्या बताया जाए, मेला कहाँ पर मिलेगा, भर्रा मचा हुआ है यहाँ पर। तो अरे कोई बात नहीं, किसी के नसीब में थे वो तो मिलेगा जिसको मिलने होते। अब देखिए यहाँ पर डांस ब्रेक, गाइस इसकी भी टिकट 60 रुपये की है डांस ब्रेक की, इसमें भी आप मज़े ले सकते हैं फुल, बहुत बढ़िया शानदार, चारों तरफ आपको झूले झूले नजर आएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं पान बाहर पहचान कामयाबी की, यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, यहाँ पे कमला पसंद
तो आप फ्री में ले रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। ये एक कामयाबी की पहचान है, जैसे कि देख रहे टाइगर श्रॉफ यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये कामयाबी की पहचान बता रहे हैं लोगों को दर्शा के कि भाई यहाँ पर ये खाओ, कामयाबी की पहचान बन जाएगी आपकी। यहाँ पे देखो लाइन लगी हुई है, देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जिस भी नंबर पर आप मार देंगे ना, जैसे कि देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ पहले, देखो ये देखिए इसमें आपको धनुष मारना है, बीच में मार देंगे तो 10 गुटके मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से है ये सिस्टम है। आप इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, सिस्टम हैंग कर रखा है इन लोगों ने कमला पसंद के पीछे, फ्री में मिल रहा है इसलिए। और दोस्तों काफ़ी बेहतरीन व्यू है लाल किले के, दशहरा मेले का जरूर विजिट कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है, हर एक प्रकार की सुविधा अवेलेबल है। यहाँ पर आप झूले भी झूल सकते हैं, बड़े झूले का प्राइस 100 रुपये है, छोटे मोटे झूले का प्राइस 50 से 70 रुपये के बीच में। यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पर खा पी भी सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बढ़िया है। ज़्यादा ऐसे पता पता के मतलब हर एक चीज़ दिखाऊंगा तो लॉन्ग ब्लॉग बन जाएगा, लंबा ब्लॉग नहीं बनाना है, मात्र 15 मिनट के अंदर से ब्लॉग ख़त्म करना है, समझ जाए, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग बनता तो लोग देखते नहीं है ये चीज़ है, क्योंकि यार डिटेल में वीडियो देखेगा भी नहीं कोई, बस मेन चीज़ देखते भाई झूले झूले हैं तो हर चीज़ है, क्योंकि रामलीला कुछ जाना ही चाहता इसलिए कि भाई झूले मिलेंगे देखने के लिए। अभी नवरात्रि चल रही है, इसका मतलब क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही सिस्टम है यहाँ पर। तो लाइक करना, अब जो कुछ बचा हुआ है हल्का हल्का दिखा देंगे, हल्के अलग में, पर चलते हैं घर की ओर। तो गाइस आपने देखा रेड फोर्ट पर कितना शानदार दशहरा मेला लगा हुआ है, जरूर विजिट कीजिएगा, यहाँ की लोकेशन आपको नेताजी सुभाष मार्ग में मिलने वाली है। 15 अगस्त पार्क देख रहे हैं, लाल किले के जस्ट बगल में 15 अगस्त पार्क है, इसके अंदर आप जा सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं रामलीला का, तो ले लिया है बड़े तरीके से, अच्छा लगता है ब्लॉग को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद। एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, साफ खान रहिएगा, पैसा ज़्यादा डाल के मत रहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई के 200 रुपये गिर गए, 500 रुपये लेके आया था भाई तुम्हारा भाई, 200 रुपये बताने कहाँ चले गए, वो तो मेरी गलती थी चले गए जो, लेकिन पैसे संभाल के रखिएगा, काफ़ी भीड़ भाड़ है आने वाले समय में, जैसे कि दूसरा ही दिन है अभी, 2-4 दिन में जब भीड़ बनेगी तो यहाँ पे मतलब बच्चों को सावधान रखिए, थोड़ा झूले में सावधान, जो भाई मतलब डरते हैं ऊंचाई से तुमसे यही कहूँगा झूले में मत झूलना भाई, देखो अपने ऊपर है भाई, मतलब तुम सजेस्ट करूँगा अपने अनुसार यहाँ पे आइए, बेहतरीन है यहाँ पे, मज़ा आया हमें काफ़ी, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।